बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे तहरीक नून के कायद मियां नवाज शरीफ के रास्ते से तमाम कानूनी पेचीदगियां एक के बाद एक करके ख़त्म हो रही हैं। क्या मियां नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकेंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेचैनी क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इलेक्शन की तारीख क्यों इल्तवा का शिकार है। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसराइल की मुसलसल बमबारी के नतीजे में तीसरी आलमी जंग की शुरुआत और की बका किस तरह खतरे में पड़ सकती है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद उनके लिए रिलीफ के तमाम दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैब अपने बनाए हुए केसेस से पीछे हट रहा है और अब नैब को गिरफ्तारी भी दरकार नहीं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस केसेस में मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच ने केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर शाह की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाएं। नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी अदालत में सरेंडर कर चुके हैं। नैब को अपीलों की बहाली पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर शाह से इस्तफसार करते हुए सवाल किया, क्या आपको मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि पहले ही बता चुका हूं, नैब को गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही अदालत की जानिब से कोई गिरफ्तारी का हुक्म मौजूद है। अदालत ज्यादा से ज्यादा मियां नवाज शरीफ को नए जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर सकती है। दो रोज कबल तोशाखाना केस में जमानत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीक कर दी थी। अदालतों से रिलीफ एक तरफ, गुज़श्ता पीर के रोज निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में काबीना की मंजूरी के बाद साबिक वजीर आजम की सजा भी मुअत्तल कर दी थी। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा और पार्टी की क्यादत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर गुज़श्ता एक हफ्ते के कानूनी कार्रवाइयों को देखा जाए तो यूं मालूम होता है कि मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ इलेक्शन मुहिम बल्कि इलेक्शन में हिस्सा लेने और पाकिस्तान का चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए भी तैयार हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इलेक्शन की तारीख के ऐलान और लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी का मुतालबा करती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है नवाज शरीफ की वापसी के साथ तमाम कानूनी उलझने रेत की दीवार साबित हो रही हैं। नैब अपने बनाए हुए केसेस से क्यों पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वजीर आजम बन सकेंगे? इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहाँ सजा याफ्ता मुजरिम और एब्सकॉन्डर करार देने के सफर से अब यहाँ तक आ गए हैं कि अब नैब कह रहा है कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, जमानतें हो रही हैं, रिलीफ जो है, इन अदर वर्ड्स जो आपके मुखालिफीन की तरफ से टर्म यूज़ की जाती है, वो दिया जा रहा है, तो खुशगवार हैरत हो रही है आपको कि ये नवाजशात का रुख PMLN की तरफ कैसे यकायक हो गया? बहुत शुक्रिया सादिया, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि नवाजशात का दूर दूर तक हमारे सिलसिले में कम अज़ कम ना सिर्फ हाल में बल्कि माजी में भी उसका कोई अमल दखल नहीं था। ये नवाजशात किन पे होती रहीं, कैसे होती रहीं, क्यों कर होती रहीं, उनके क्या नताइज मुरतब हुए, मुल्क से उनको क्या मिला, नवाजशात करने वालों को क्या मिला, ये एक अलग कहानी है, किसी दिन लिखी भी जाएगी, बयान भी की जाएगी और लोग बड़ी हद तक उसे जान भी चुके हैं। जैसा आप ये कह रही हैं ना कि हमारे रास्ते की कानूनी रुकावटें कैसे रेत की दीवार साबित हो रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप यूँ कहिए कि जो गैर कानूनी रुकावटें डाली गई थी वो रेत की दीवारें साबित हो गई हैं, इसलिए कि जो सारा अमल है वो आप पूरी कौम के सामने है, आपके सामने है। आप माशाल्लाह कोना मश का एंकर हैं और आपने बड़ा करीब से सियासत को देखा है, आप खुद जानती हैं कि ये सजाएं, इनका पस मंज़र क्या है, ये कैसे हैं, कहाँ से शुरू हुई, पानामा क्या था, शायद हज़ारों लाखों लोग थे, खुद 500 लोग पाकिस्तान के थे और एक ऐसे शख्स को चुना गया जिसका नाम भी नहीं है पानामा के अंदर, तो पानामा की कहानी कैसे चली, कैसे जजों को ट्रैप किया गया, कैसे जजों के घर
पहुंचे हैं कि जी इसको जमानत ना दो, इसके हक में फैसला ना दो, वरना हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। कैसे जेआईटी बनी और फिर उस जेआईटी ने सारी दुनिया को खंगाला, बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी, बैंकों में झांका, दस्तावेजात देखी कि कहीं से कोई किसी जुर्म का सुराग मिले। मिल गया बिलाखिर, और वो ये कि देयर वाज ए कंपनी जो इनके बेटे की मलकियत थी, और मियाँ साहब ने किसी ज़माने में वीज़ा की सहूलत के लिए उसके डायरेक्टर बने थे और उसकी एक तनख्वाह मुकर्रर हुई थी 10,000 दिरहम, जो उन्होंने नहीं ली बेटे से। तो ये जुर्म निकला, वो जो 1,000 से या शायद पता नहीं कितने हज़ार पे मुश्तमिल जो 10 जिल्दें हैं सो कॉल्ड जेआईटी की तहकीक की, उनके अंदर यही कुछ है। तो जब आप इस तरह घेर गार के हांका लगा के गैर कानूनी, गैर आइनी, बल्कि गैर अखलाकी सजाएँ देंगे और बिल आखिर वो रेत की दीवार साबित होंगे बकौल आपके, तो उसको आप नवाज यानी वो चीजें जिस तरह से हुई, आप जैसे कहें केसेस कि बनाए गए, जैसे सजाएं दी गई, वो आप सही कह रहे हैं, सबके सामने है कि कुछ निकल नहीं सका। बट मेरा सवाल ये सेनेटर साहब मुझे बताइए कि आपने ऑब्वियसली चीज़ें देखी हैं, जैसा अभी नवाज शरीफ साहब के केस में हम ये बात कर रहे हैं, तो क्या नवाजशात होने का या जो करने वाले हैं उनकी तरफ से ये सिलसिला क्या हमेशा हमेशा के लिए अब बंद कर दिया गया है, इसकी अश्योरेंसेस क्या हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता किसी इदारे के बारे में कुछ कहना, किसी भी इदारे में या किसी भी शख्सियत के बारे में कि कल उसका चलन क्या होगा और उसके तौर तरीके क्या होंगे, माजी जैसे होंगे, हटके होंगे, कोई नया एक आगाज होने वाला है, तो मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि ये कह सकूँ। मैं जो बात बड़े ज़ोर से और तकरार के साथ कह रहा हूँ कि ये एक खुली वाजे वाशगाफ दो टोक किस्म की नाइंसाफियां हुई थी नवाज शरीफ साहब के साथ, जो एक एक करके इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और वो सियासत में अपना किरदार अदा करेंगे। और इसके बाद क्या होता है मैं उसको तो नहीं जानता, लेकिन मैंने कल भी किसी जगह ये जुमला कहा था, आपके यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ कि ये दरअसल वो नाइंसाफी है जो नवाज शरीफ के साथ होती रही। उस नाइंसाफी के इजाले को अगर आप ये कहते हैं कि कोई फैसिलिटेशन हो रही है या नवाजशात हो रही हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये तासुर शायद दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तासुर तो जो भी कहिए वो बन चुका है और पीपल्स पार्टी जो है वो बरमला ये बात कर रही है कि जनाब देखें, अब उनके रहनुमा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं ये डील करके वापस आए हैं, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के कुछ और रहनुमाओं की तरफ से होती है, तो वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ लाडला तब्दील हुआ है और कंधे वही हैं, इस किस्म के जुमले आपने भी सुने होंगे। सो इस तासुर को अब ज़ाहिल करने का क्या तरीका है? एज़ यू राइटली पॉइंटेड आउट कि आप ये तो नहीं बता सकते कि सिलसिला हमेशा के लिए बंद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हैज़ ऑलवेज बिन वेरी अनप्रडिक्टेबल, बट ये तासुर कैसे ज़ाहिल होगा? कोई ज़रूरत नहीं है हमें इस तासुर को ज़ाहिल करने की, अगर उनकी तस्कीन इसी बात में है। देखे ना, हमें इमरान खान साहब की रिजीम थी और ख़ुद उनकी ज़ुबानी और ख़ुद उनके जो रफ़का थे, क्या क्या गालियां हमें नहीं मिली हैं, चोर और डाकू हमारा तखल्लुस पड़ गया था, लकब पड़ गया था, चलता रहा है, चलता रहेगा आइंदा भी। अगर कोई लाडला हमें कहना चाहता है तो कहता रहे, लेकिन हमारा ज़मीर साफ ही साफ है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया था। आज अगर ये साबित हो के सामने आ गया है 4-5 साल के अंदर कि कोई इर्तकाब गुनाह नहीं हुआ और हमें बरियत का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो हम लाडले हमें कहें, हमें कुछ कहें, हमारा ज़मीर मुतमईन है, उन्हें हक है, वो इलेक्शन एरिना के अंदर हैं। इलेक्शन में जब जमातें आती हैं, पीपल्स पार्टी का मैं एक जमहूरी जमात होने के नाते बड़ा एहतराम करता हूं, उनकी बड़ी जिद्दोजहद है, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं उनकी, लेकिन हम अब इंतखाबी अखाड़े के अंदर हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं, तो हम अगर आवाज़ा नहीं कस रहे उन पर, तो उन्हें आवाज़ा कसने का हक हम देना चाहते हैं, वो कसते रहें आवाज़ें अगर इससे उनकी अपनी तस्कीन होती है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं जी कि डील करके आए तो फलां करके आए, उनके बारे में भी एक लफ्ज़ आपको पता है ज़ुबान ज़दे खासे आम होता था, NRO कहते थे, हम उन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहते। जैसा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि लेट अस हैव ए न्यू बिगिनिंग, हम तो न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो लकीर पीटते रहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के हवाले से जैसे आपने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तासुर ज़ाहिल करने की, अगर उनका तासुर यही है तो फिर ठीक है, ऐसे ही समझते रहें। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ पर आपका सियासी तबसरा चाहूँगी
कि आपको तो वो चलें कह ही रहे हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट किया जा रहा है, या पीएमएलएन से वो मुतालबा करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वो पीएमएलएन सिर्फ एक सियासी जमात को कहते हैं कि जनाब हमारी तो उनसे डिमांड है क्योंकि हर जगह पर उनके लोग बैठे हुए हैं। साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने पीटीआई को भी इस इंतखाबात में भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया है। सो आपका तबसरा इस चीज़ पर, क्या आपको लगता है कि पीटीआई के भी खुलकर इंतखाब लड़ने से कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का कोई सियासी फ़ायदा जुड़ा है? देखें, मैं इस सिलसिले में बड़ा वाज़े हूँ सादिया, कि सियासत जो होती है वो कोई दो टोक उसूलों और नज़रियात का खेल नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतादी बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अभी कल तक हम इतादी थे, पीडीएम की हुकूमत में वो भी शामिल थे, हम भी शामिल थे। 2008 में जो हुकूमत जरदारी साहब की बनी थी उसका भी हम कुछ अर्सा हिस्सा रहे, तो ये बातें सियासत में होती रहती हैं। अगर वो पीटीआई का साथ देना चाहते हैं या पीटीआई उनके साथ मिलके इलेक्शन में आना चाहती है, दोनों को इसका इस्तेकाक हासिल है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की एक इस्तलाह इजाद हुई है इस साल, वो मेरा ख्याल ये है कि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इस सदी में 2002 में इलेक्शन 2008 में होते हैं, 2013 में होते हैं और फिर 2018 में होते हैं। 2002 में नवाज शरीफ नहीं इलेक्शन लड़ने के लायक, बाहर भेज दिए गए। शहबाज शरीफ भी नहीं है, मरियम भी नहीं है, बेगम साहिबा भी, कोई भी नहीं है। इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमतें बन जाती हैं। 2008 में वो आ जाते हैं, वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि नाइल हैं आप। 2008 के इलेक्शन नवाज शरीफ को बाहर धकेल के होते हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड था। 2013 के इलेक्शन में आज ये कहते हैं जी कि पीएमएलएन के लोग बैठे हुए हैं। 2013 के इलेक्शन में सदर ममलकत कौन था? आसिफ जरदारी साहब थे। आसिफ जरदारी साहब का नॉमिनेटेड मीर हजार खोसो वजीर आजम थे। आसिफ जरदारी साहब के नॉमिनेटेड थे चारों निगरान वज़राए आला। हमारा कौन बंदा था उस वक्त? हमने तो नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और हम वो इलेक्शन जीते भी हैं। 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ फिर जेल में है। आज अगर कोई लीडर जेल में है और इलेक्शन होते हैं और उसके अभी से ये डंडोरा पीटा जा रहा है जी कि ये तो बड़ी धांधली हो जाएगी। आप लोगों को याद है कि 2018 के इलेक्शन में जो जहां हुकूमत बनाते हैं इमरान खान साहब और चार साल तक उसका डंका बजाते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ कहाँ था, किस जेल में था? किसी को याद है? तब तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड था। तो तारीख से भी इंसाफ करना चाहिए, हालात से भी इंसाफ करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, मीनार पाकिस्तान हाजिर है। पीपल्स पार्टी जाए, करे जलसा, कराची में करे, आराम बाग में करे, कहीं करे। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की ना धांधली वाली, कि एक तरीके से तो ये शोर अभी शुरू हो गया है, प्री पोल रिगिंग की बातें हो गई हैं। पंजाब हुकूमत को लेकर वो कहते हैं कि जनाब उनकी बी टीम बनी हुई है, यानी आप लोगों की, पीएमएलएन की, वफाकी निगरान काबीना पे आते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे भी उनके लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो अलमिया पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से रहा है, इंतखाबात का रहा है हमेशा से, कि जो भी हारता है वो फिर रिगिंग का शोर मचाता है, अब इस चीज़ को कैसे आप पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करेंगे? फिर वही होगा, आपकी जमात लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जीत जाती है, हुकूमत बना लेती है, तो फिर हारने वाली जमातें उसी तरीके से सड़कों पे होंगी। धरना आपको वैसे ही 126 दिन का बहुत अच्छे तरीके से याद है। सादिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ इंतखाबात की तारीख बिल्कुल ऐसे ही है। 70 के इलेक्शन से लेके 2018 के इलेक्शन तक कोई इलेक्शन भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए आराम सुकून का और एक इस्तेकाम का पैगाम लेके आया हो। 2018 का इलेक्शन लेके आया था इसलिए कि वो वन पेज थ्योरी उस वक्त चल रही थी, हालांकि उससे ज़्यादा धांधली वाला इलेक्शन शायद ही हमारी तारीख में कोई हुआ हो। लिहाजा एक तो होता है कि इलेक्शन हो गए और हारने वाले ने धांधली का शोर मचाया, वो तो होता है, दुनिया में भी शायद होता है। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जिसको हार नज़र आ रही होती है वो 6 महीने 4 महीने पहले ही शोर मचा देता है कि जी उफ़ ये हो गया, उफ वो हो गया। अब इन लोगों को नज़र आ रहा है, देखे ना, 15 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, फेडरल हुकूमत में हो रहे हैं, मरकज में रहे हैं, 9.5 साल पीएमएलएन की हुकूमत रही है, 4 साल खान साहब की हुकूमत रही है, 10-15 साल वो वहाँ बैठे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लोगों ने परफॉर्मेंस देखी हुई है ना सबकी, कि पीपल्स पार्टी के नामा अमाल में क्या है, नवाज शरीफ ने क्या किया था, खान साहब क्या तरका वरसा मीरास छोड़ के गए हैं। लोग इतने पागल नहीं होते हैं
कि जी वो बहाव में आ गए और जज्बात में आ गए, ठीक है, एक एलिमेंट होता है इमोशनलिज्म का, लेकिन लोग हकीकत पसंद भी होते हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान पे रहम खाया जाए। हर पार्टी आए, इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के नतायज जो हैं वो कबूल करें, लेकिन ना भी करें तो अगर सारे इदारे यकसू हों कि जी इलेक्शन हो गया है और इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, ठीक है, लेकिन फेयर इलेक्शन के बाद भी यही कुछ होता है जो जो आप कह रही हैं, फेयर तरीन इलेक्शन आप करा लें तो भी यही कुछ होना है, लेकिन अगर इदारे यकसू हैं तो फिर इस्तेकाम इंशाल्लाह रहेगा। सही है, वरना हिस्ट्री तो ऑब्वियसली यही है पाकिस्तान की तल्ख है इंतखाबात के नतायज को लेकर। और इरफान सिद्दीकी साहब, मुझे बताइए कि ये जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने एक जो डिमांड रखी लंदन में, चाहे वो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा हो, और उसके बाद जो मीनारे पाकिस्तान में था उनका जलसा, वो बिल्कुल मुज़ाहमत से मुफाहमत की तरफ आए। एक तरीके से ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि पाकिस्तान की सियासत को इस किस्म के बयानिए की ज़रूरत है कि सबको, सब इदारों को साथ लेकर चला जाए, जहां वो ये बात करते हैं कि मैं इंतकाम का कायल नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई रिवेंज हो किसी के ख़िलाफ़ भी हो। लेकिन आप ये बताएंगे कि क्या जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है, क्योंकि वो मुफाहमती लबो लहजा रखने के आदी हैं तो बहुत लोगों को या बहुत हलकों को वो हमेशा से एक्सेप्टेबल रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब भी वही मुफाहमती बयानियां अब अपना चुके हैं? देखिए सादिया, मैं इख्तसार के साथ, जाहिर है बड़ा महदूद वक्त होता है आप लोगों का जी, मैंने मियाँ साहब के कम से कम गुज़श्ता दौर को बहुत करीब से देखा है और मैं बड़े दावे के साथ, और अगर कोई मेरे साथ इस मौजू पे बात करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम मैंने नवाज़ शरीफ को बिला वजह किसी के साथ कश्मकश और रस्साकशी और जंग जदल में मुबतला होते नहीं देखा, बल्कि वो अगर कोई ऐसे असबाब पैदा भी हुए तो कोशिश करते रहे कि मामले को रफा दफा करके आगे निकला जाए। आपके सामने हैं बेशुमार वाक़ात इसी चार साल दौर के अंदर, क्या प्याली के अंदर, चाय की प्याली के अंदर तूफान उठा था जिसको आप डॉन लीक्स कहते हैं, फिर रिजेक्टेड का ट्वीट आया। मैंने उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से, तो मैंने कहा था बाजवा साहब यहाँ बड़े मार्शल ला भी आ चुके हैं, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हुए हैं, लेकिन किसी ने वज़ीर आज़म की उतनी तौहीन नहीं की जितनी आप लोगों ने की है रिजेक्टेड कह के, वक्त के वज़ीर आज़म की जिसके माता थे आप। उसके बावजूद नवाज़ शरीफ चलता रहा, उन्होंने कहा जी कि परवेज़ रशीद को निकालो, निकाल दिया, उन्होंने कहा फातमी को निकालो, निकाल दिया, उन्होंने कहा जी राव तहसीन को निकालो, निकाल दिया। तो वो बड़ी हद तक कोशिश करते हैं, लेकिन जब मामला यहाँ तक पहुँच जाए कि इज़्ज़त नफ्स भी जाती रहे, वो कुछ कर भी ना पाए, उसके बाद आपने उन पे केसेस खोल दिए और जो कुछ हुआ वो आपके सामने। नवाज शरीफ ने कभी वो रस्साकशी या जंगो जदल का जो जो बयानिया है वो नहीं अपनाया अमलन, लेकिन तासुर आप लोगों ने या मीडिया ने या सब ने बनाया हुआ है ये। हाँ, ये ज़रूर है कि अब भी वो ये बात कहते हैं, और इस तकरीर में भी जिसका हवाला आप दे रही हैं इसमें भी उन्होंने कहा है, मीनार पाकिस्तान वाली में भी, कि अगर इदारे नहीं बैठेंगे और आइंदा का लाए अमल नहीं तय करेंगे और माजी को छोड़ के आगे बढ़ने आगे के लिए सिद्ध के दिल से कोशिश नहीं करेंगे, उन्होंने बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि मेरा 40 साल सियासत का निचोड़ यह है कि ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान वहीं का वहीं रहेगा, ये बात उन्होंने अब भी कही है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक नई बिगिनिंग चाहते, ठीक है, कि वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, जो हो गया वो हो गया। अब ये बताइए, मेरे पास टाइम थोड़ा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, इकॉनमी पे उन्होंने बात की, ये भी बताया, उन्होंने वो बिल्स दिखाए सब कुछ के, ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं किए, लेकिन 16 माह की कारकर्दगी इरफान सिद्दीकी साहब, एक सवालिया निशान तो उस पर आ गया है, उस पर ज़ाहिर है इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम पर बात भी हो रही होगी। टीम, क्योंकि इकोनॉमिक टीम जो थी वो PMLN की थी, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों या उसके बाद इसहाक डार हों, आपको अगर दोबारा हुकूमत मिलती है तो क्या यही इकोनॉमिक टीम होगी, वजीरे खजाना इसहाक डार साहब ही होंगे? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, इम्कानात आपने दो तीन इकट्ठे कर दिए हैं कि इलेक्शन भी PMLN जीतेगी, हुकूमत भी PMLN की बनेगी। मैं कहती हूं PMLN की ख्वाहिश कह देती हूं उसको, चलें ख्वाहिश कह लें। तो मैं नहीं कह सकता कि उनके मियाँ साहब किस टीम का इंतखाब करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर कहूंगा
कि अगरचे चुके आपने अच्छा किया महदूद कर दिया कि इकोनॉमिक टीम पीएमएलएन की थी, हुकूमत पीएमएलएन की नहीं थी, ये तो फैक्ट है, आपने बहुत अच्छा किया कि उसको अलग कर दिया, तो लेकिन उनके सामने जो एक बहुत बड़ा पहाड़ छोड़ के गई थी ना जाने वाली हुकूमत, उस पहाड़ को खोद के सबसे बड़ा इशू जो था कि जी इसको डिफॉल्ट से बचाना है, उस डिफॉल्ट से बचाने के लिए महंगाई भी आई, बेरोजगारी भी आई, लोगों के चूल्हे भी बुझे, बिजली के बिल भी आसमान तक बाते, इस सब की कीमत अदा की। वो बार बार खुद कहते हैं कि हमने मुल्क को बचाने के लिए, डिफॉल्ट से बचाने के लिए पॉलिटिकल प्राइस पे की है, तो वो तो इससे इससे मुकरने वाले नहीं है, वो उनकी आप उसकी कारकर्दगी समझे, ना कारकर्दगी समझे, नायली समझे, कुछ भी करें, वो सामने है। सामने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद पाकिस्तान का सियासी खेल यकसर तब्दील हो चुका है। माजी के इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी में इलेक्शन को लेकर बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि पीपल्स पार्टी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, आजादाना साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का कयाम आइनी तकाजा है। नैयर हुसैन बुखारी का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत की जानबदाराना रविश हर रोज आया हो रही है, निगरान हुकूमत पंजाब में किस हैसियत में सजाएं मुअत्तल कर रही है, विफाकी और निगरान हुकूमतें मखसूस जमात और शख्सियात की सहूलतकारी से बाज रहें, क्या किसी मुलजिम को लाउंज में बायोमेट्रिक की सहूलत मिलना गैर मामूली बात नहीं है। दो रोज कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने मीडिया से बात करते हुए इंतखाबात की तारीख के हवाले से पाए जाने वाली बेयकीनी पर तश्वीश का इजहार किया और वाजे किया कि इंतखाबात में ताखीर बेयकीनी पैदा कर रही है और इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जबकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कयादत जिसमें फैसल मीर, औरंगजेब बरकी और अजीजुर रहमान शामिल हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वाजे मौकफ इख्तियार किया गया कि माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पार्टी के ऐसे अरकान के गैर कानूनी अमाल की हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए, मगर ये याद रखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से मुतालबा किया गया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना चाहिए। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने भी तंजिया अंदाज में कहा कि इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, इस बार वोट पर डाका डाला गया तो मुल्क एनआरकी का शिकार हो जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेचैनी और इस्तराब का शिकार है, इलेक्शन के अल्तवा से किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कायद मियां नवाज शरीफ मुस्तफीद हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ मांगने से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई सियासी मुफाद जुड़ा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई, मीनार पाकिस्तान की उनकी तकरीर हो गई, मुजाहमत से मुफाहमत का बयानिया जो है वो उन्होंने अपना लिया जैसे शहबाज शरीफ का रहा है हमेशा माजी में पाकिस्तान की सियासत में, तो ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको इंतखाबी मुहिम में या इस खेल में खेलने नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, दो इश्यूज हैं। एक तो ये हम वजाहत करते चलें कि मियां साहब को हम वेलकम करते हैं और उनका जो शानदार जलसा हुआ उस पर भी पीएमएलएन को मुबारकबाद देते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि मियां साहब के आने से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई उसके आने में रोड़े अटका रही है या कोई और इश्यूज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उस तासुर की बात कर रहे हैं जो इस वक्त जिस तरह का उनके साथ रवैया रखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने खुद मिसाल दे दी कि लाउंज में आके कोई बायोमेट्रिक कर रहा है, दीगर इश्यूज हैं, तो वो तासुर ना जाए। ये मुस्लिम लीग एन
कि इस बात को भी हम सपोर्ट करते हैं कि मियाँ साहब को जो सज़ाएं मिली वो बिल्कुल गलत मिली थी, और उसमें बेटे से तनख्वाह न लेना या और दीगर जो भी इश्यूज़ हैं, और जिस तरह वो ट्रीटमेंट होती थी उस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये सारा कुछ भुगत रही थी जब मियाँ साहब वालों की भी हुकूमत थी। हमारे ऊपर तो केसेस उस वक्त भी थे, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट में भी और बढ़ा दिए गए, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में पीएमएलएन को भी इसका सामना करना पड़ा। और ये सारी चीज़ें एक और वाजे है कि ये पॉलिटिकल सारी मैनूवरिंग के लिए ये केसेस होते हैं कि जब फिजा खिलाफ हो तो रवैया और होता है कि मियाँ साहब के साथ जिस तरह का रवैया था, और फिर अब जब कोई फिजा बेहतर हुई है तो ये रवैया ये हो गया। तो हम तो शुरू से भुगत रहे हैं और हमें कभी अच्छे रवैये नहीं मिले। और एक और बात जिसको शायद उसका ये ले लिया गया, अखस कर लिया गया है उससे कि चेयरमैन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी कोई बहुत ज्यादा मराद चाह रही है, कोई बहुत सपोर्ट चाह रही है जिस तरह पीएमएलएन को है, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं सबको यकसा मौका मिलना चाहिए। जिस तरह आपने हमारे कुछ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई के बगैर इलेक्शन जो है वो बेमानी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी को क्या लग रहा है, क्योंकि एक ये भी बात हो रही है कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है इस वक्त, या उनको लगता है कि जी उनको भी वही माहौल मिलना चाहिए इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने का जो दीगर जमातों को मैसर हो, तो शायद पंजाब में आपको लगता है कि अगर पीटीआई ना हो तो पीएमएलएन जो है वो स्वीप कर जाएगी, इज दैट द रीजन या कोई और वजह है? नहीं देखें, ये बिल्कुल ये वजह नहीं है। हम जमहूरियत की बात करते हैं, पता नहीं क्यों सब भूल जाते हैं कि जब 2013 वाला जब टेन्योर था तो जो खान साहब जब धरने दे रहे थे और बहुत उनको सपोर्ट थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लिए खड़ी हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, खुर्शीद शाह साहब या दीगर हमारे जो रहनुमा थे वो उन्होंने स्टैंड लिया था कि ये तरीका गलत है, आइनी तौर पर ये प्रोसेस पूरा होना चाहिए, 5 साल अगर कोई नो कॉन्फिडेंस लाए तो और बात है, अदरवाइज इनका टेन्योर पूरा हो। तो हम जमहूरियत की बात करते हैं, अब भी देखें एक जहन में रखें, अगर पीटीआई को बिल्कुल आउट कर दिया जाता है कि उनको इलेक्शन में ऐसा ही नहीं लेने दिया जाता तो पूरे इलेक्शन पर इफेंट बर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन जो लोग गैर कानूनी उसमें मुलविस हैं, मिसाल के तौर पर जो खान साहब के ऊपर केसेस फ्रेम हुए हैं या उनके अपने रुफका बता रहे हैं कि उन्होंने शिद्दत पसंदी की और नफरत की सियासत को फरोग दिया, और जो 9 मई का वाकया हुआ या इसके अलावा और भी उन पर जो केसेस बनते हैं, अगर उनकी जो जिस पर भी केसेस बने वो अपना फेस करें, लेकिन पूरी पार्टी को अगर अलहदा कर दिया जाएगा तो फिर वही इफ एंड बर्ड्स आएंगे। तो हम कोई उनकी मोहब्बत में कोई पीटीआई के लिए हमारे कोई अच्छे वो नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है वो बेहतर होना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब 2018 में ये सब कुछ हुआ तो पीएमएलएन के साथ साथ जेयूआईएफ और दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहे थे पार्लियामानी प्रोसेस में, हलफ ही नहीं ले रहे थे, ये पीपल्स पार्टी ने उनको कायल किया। पीपल्स पार्टी ने कायल किया, बिल्कुल वो सबके सामने है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो हमारी जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानी है उनके खिलाफ तो ऑब्वियसली कार्रवाई होनी चाहिए, बट अदरवाइज तमाम सियासी जमातों का, तमाम सियासतदानों का हक है कि उनको ये माहौल फराहम किया जाए। आपकी शाह साहब कुर्बत है जरदारी साहब से, आप कुछ बता सकते हैं कि उनकी जो हालिया दिनों में मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि कुछ मुक्तदर हलकों में अहम शख्सियात से जरदारी साहब की मुलाकातें हुई हैं, तो ये मुलाकातें किस सिलसिले में हुई थी, और अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुवाफिक हालात नहीं बन सके या जो शायद पीपल्स पार्टी चाह रही थी वैसा नहीं हुआ? देखिए, पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए, जाहिर है 90 डेज में नहीं हुए। फिर चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ठीक है डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा होता है अगर 30 नवंबर को, तो 100 डेज हो जाए, 120 डेज हो जाए, लेकिन हम एक ही मौकफ है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो जाए। आज अच्छी खबर आई है कि जी 28 जनवरी तक का वो कहा है इलेक्शन कमीशन ने या कुछ जो भी बात हुई है, तो अच्छी बात है। तो हमारे है तो, और 28 जनवरी तो हमारा सिर्फ एक ही जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अगर किसी से भी मुलाकात होती है, कोई भी बात होती है, तो इलेक्शन के लिए होती है। देखिये ये हालात केयर टेकर गवर्नमेंट पर ना इंटरनेशनली कोई उनके साथ कोई काम करना चाह रहा है, जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, जो
बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत और इस तरफ बढ़ रहे हैं, इसको इलेक्टेड गवर्नमेंट ही आके फेस कर सकती है, उस वो ही आके बेहतरी ला सकती है, उसी से ही दीगर बैरूनी ममालिक या जो लोग भी हैं वो उससे बात कर सकते हैं, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट में ये इश्यूज हल नहीं हो सकते। तो एक ही हमारा मौकफ है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। ठीक है, तो अभी जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन का आपने खुद ही हवाला दिया कि 28 जनवरी की तजवीज़ सामने आई है, सेकेंडली उन्होंने कहा है कि जब ये हलका बंदियों के नतज इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद वो शेड्यूल भी जारी कर देंगे। सो इसके अलावा कोई इश्यूज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि एक इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाए तो भाई कोई मसला नहीं होगा हमारे लिए? देखें, मैंने पहले भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड से गलत मतलब ले लिया गया कि जी नहीं, हमें भी बहुत कुछ देंगे। हमें एक नॉमिनेशन का इख्तियार था, हमारे जब चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, के चीफ मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करते हैं, तो हमने तो बिल्कुल ए पॉलिटिकल शख्सियत को चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए, केटेगर चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया, जिनका माजी बेदाग और बड़ा किरदार उनका बहुत अच्छा और शानदार रहा है। चीफ जस्टिस सिंध रहे हैं हाई कोर्ट के, फिर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं, तो हमने तो उन, क्योंकि हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि टाइम पे इलेक्शन हो और जो अवाम फैसला करे पाकिस्तान के बादशाहों का, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी तो आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं इलेक्शन चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब ये कहा जाता है कि जो विफाक में निगरान हुकूमत है उसमें पीएमएलएन के लोग बैठे हुए हैं, फिर पंजाब में निगरान हुकूमत को आप कहते हैं कि पीएमएलएन की बी टीम बनी हुई है, सिंध में आप बताते हैं कि जनाब हमारे जो मंसूबे थे तरक्याती उनको बंद कर दिया गया है, जबकि पंजाब में और दीगर सूबों में वो चल रहे हैं, नैब केसेस जो हैं हमारे वो दोबारा से खुल गए हैं। सो ये सारी चीज़ें फिर क्या हैं, या इससे नहीं फ़र्क पड़ता आपको? जी बिल्कुल, देखें नहीं, एक बिल्कुल इशू है कि जब ये सीईसी की हमारी मीटिंग्स हुई थी, एक कराची एक लाहौर में, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा आते हैं, उन्होंने अपने अपने सूबे की बात की, तो उसमें ये सबकी तरफ से आया था कि जी मिसाल पंजाब में नई स्कीमें भी शुरू हो रही हैं, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी, सिर्फ सिंध में नई स्कीमें तो अपनी जगह पर जो हमारी असम्बली से बजट में पास करदा, और ये वो स्कीमें हैं जो सैलाब से मुतासरीन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, उन गरीबों के घर बनाने के लिए, वो जो हॉस्पिटल तबाह हुए, स्कूल तबाह हुए, रोड तबाह हुए या इरिगेशन का सिस्टम तबाह हुआ उसको बेहतर बनाने के लिए अप्रूव्ड स्कीमें, उन तक को रोक दिया गया था, और इस वजह से ये बात आई, और चेयरमैन साहब ने भी इसको हाईलाइट किया, वो तो अपनी जगह पर है। हमारी तरफ से हमारे डेलीगेशन गया था जिसने इलेक्शन कमीशन से बात की जाके कि जो बजट में अप्रूव्ड है, जिनका प्रोसेस हो चुका है, उनको तो कम से कम ना रोका जाए। सही है, वो ग्रीवेंसेस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हवाले से हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। गजा में हालात कंट्रोल में ना लाए गए तो जंग पूरे खत्ते को लपेट में ले सकती है। अभी तक मगरबी ममालिक गजा पर हमलों की शिद्दत और पैदा होने वाले असरात का अंदाजा करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रहे हैं। हमास को एक दुश्मन की हैसियत से देखा जा रहा है, मगर मसला हमास के खात्मे का नहीं बल्कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला गजा में मौजूद 2.3 मिलियन अफराद की इसराइल के हाथों कलेक्टिव पनिशमेंट का है। इसराइल के हाथों कलेक्टिव पनिशमेंट महज़ब दुनिया में किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं। यही वजह है कि न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और लंदन से लेकर पेरिस तक सब सहूनी अफवाज के हाथों फलस्तीनी अवाम की नसलकुशी और जंगी जराइम की मुखालफत करते हुए सड़कों पर निकले हुए हैं। दूसरी तरफ गजा में इसराइली जंगी जराइम और बेगुनाह इंसानी जानों का ज़िया किसी तौर पर भी अरब ममालिक और रीजन में मुस्बत अंदाज में नहीं देखा जा रहा। लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। 7 अक्टूबर के हमास हमले पस मंजर में जा चुके हैं। अरब ममालिक में तस्करा सिर्फ इजरायली जारहियत का हो रहा है और लोग बेबसी का शिकार बने हुए हैं। खित्ते में जंग के फैलाव को रोकने में अमरीका अहम किरदार अदा कर सकता है, मगर गुज़श्ता 3 हफ्ते की अमरीकी पॉलिसीज यकसर मुख्तलिफ रुख पेश कर रही हैं। आज इजरायली अमरीकी आशीर्वाद से फलस्तीनी अवाम की नसलकुशी में मसरूफ अमल है। मगरब चाहे बरतानिया हो, फ्रांस या जर्मनी, सबके सब सहूनी रियासत की खुशनूदी हासिल करने में लगे हुए हैं और जंग के फैलाव को रोकने से सब नजरें चुरा रहे हैं। मशरक वस्ता आज 10, 20, 30, 40 या 50 साल पुराना वाला नहीं रहा। हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं।
1973 में इसराइल ने आखिरी बाकायदा जंग लड़ी थी। 1973 की जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब शाम और मिस्र ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें इसराइल फतेह रहा। मगर अब हालात फर्क हैं। अरब ममालिक पहले से ज्यादा मुत्तहिद और मजबूत नजर आते हैं। उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हथियार भी मौजूद हैं और मौजूदा हालात के पेश नज़र सबके इकट्ठे होने के इम्कान भी पहले से ज्यादा हैं। अब ईरान और तुर्की का भी तस्करा किया जाता है और दोनों ममालिक अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जंग के फैलाव की सूरत में अगर अमरीका अरब ममालिक या ईरान पर हमलावर होता है तो रूस भी ईरान की मदद के लिए तैयार होगा। इससे कबल रूस यूक्रेन जंग के दौरान ईरान ने यूक्रेनी प्रॉक्सीज को खत्म करने के लिए मॉस्को की भरपूर मदद की थी। ये वो सूरत हाल है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी रीजनल जंग का आगाज हो सकता है, जहां पर इसराइल की बका को भी खतरा लाहक हो सकता है। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार साबिक कर्नल रिटायर्ड डगलस मैकग्रेगर, जो कि साबिक सेक्रेटरी डिफेंस के एडवाइजर भी रह चुके हैं, उन्होंने आज से 3 रोज कबल एक इंटरव्यू में दो टोक मौकफ इख्तियार करते हुए कहा था कि अगर खित्ते में जंग फैल गई तो इसराइल के खात्मे का सबब बन सकती है। माई फियर इज इफ दिस रीजनल वॉर अनफोल्ड देर मे बी नो इसराइल एट द एंड ऑफ इट। इस इंटरव्यू से कबल कर्नल डगलस अपने एक आर्टिकल में ये भी कह चुके हैं कि अगर जंग के फैलाव को ना रोका गया तो इसराइल अगला यूक्रेन भी बन सकता है। हमें हिजबुल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। हिजबुल्लाह वाजे कर चुकी है कि अगर इसराइली फौज ने गजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया तो उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा। हिजबुल्लाह को सिर्फ ईरान की मदद नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स की कुल तादाद 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक है, जबकि उनके पास 1.5 लाख के करीब मिसाइल्स भी हैं, जिनमें से 40,000 से जायद बेहतरीन टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स हैं, जो कि आधे से जायद इसराइल को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। कर्नल डगलस ने खित्ते की सूरत हाल का एक तश्वीशनाक नक्शा हमारे सामने रखा। ईरान, तुर्की और उर्दन के किंग अब्दुल्ला भी इसराइली अफवाज के गजा पर जमीन ऑपरेशन और इससे होने वाले जानी नुकसान पर इंतबाह जारी कर चुके हैं। कायरो मिस्र में किंग अब्दुल्ला ने तकरीर करते हुए वाजह किया था कि कलेक्टिव पनिशमेंट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हुए ये वाजह करते हैं कि अगर सेहूनी रियासत ने मजीद आगे बढ़ने की कोशिश की तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ईरान, तुर्की और उर्दन शामिल हो सकते हैं। इसराइल को अगर आज ना रोका गया तो दुनिया ना चाहते हुए भी तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल दी जाएगी। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.